हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम फर्स्ट केस जो है वो पढ़ेंगे, टू स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलर। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये जो हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पढ़ा था उसी में एक एडवांसमेंट कह सकते हो, वही चीज़ है। एक वहाँ पर अगर आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पता है या आपको पता है वो उसमें वर्किंग कैसे होती है, उसकी पीएच डायग्राम कैसे, टीएच डायग्राम कैसे है, तो आपको ये वीडियो ईजिली समझ आएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें क्या है, हमारे पास वही सेम सब केसेस हैं, खाली इसमें हम दो कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे पास सिंपल एक इवेपोरेटर है, जैसे कि हमारे पास वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी था। एक इवेपोरेटर है जिसका काम क्या, यहाँ पे कोई ना कोई रेफ्रिजरेंट जो है फ्लो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट जो भी हमारे पास सिस्टम है वहाँ से हीट गेन कर रहा है। और ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर यहाँ पे रेफ्रिजरेंट था इसने हीट एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर जो वेपर है इनका हम कंप्रेसर से हम इनका प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा अपने आप। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो वेपर हमारे पास आया इवेपोरेटर के बाद, इसको हम पहले लो प्रेशर कंप्रेसर में भेजते हैं। फिर लो प्रेशर कंप्रेसर से क्या हो रहा है, लो प्रेशर कंप्रेसर से निकलेगा वेपर्स, फिर हम इन्हें लिक्विड इंटरकूलर में भेजते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो ये रेफ्रिजरेंट, और दोबारा से यहाँ पे लिक्विड में आए, और लिक्विड को हम दोबारा से बार बार यूज़ कर पाएँ, हम ये चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या, वो वेपर आए लोअर प्रेशर कंप्रेसर में, का प्रेशर बढ़ गया था, टेम्परेचर बढ़ गया था, उसके बाद हम इसे भेजते हैं लिक्विड इंटरकूलर में, जहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। फिर लिक्विड इंटरकूलर से हम क्या करते हैं, इसे दूसरे हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेजते हैं। फिर से हमने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ाया, हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेज दिया। और फिर हाई प्रेशर कंप्रेसर के बाद क्या होता है, वो भी जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करता है कंडेंसर में, जहाँ पे वो क्या करता है, अपनी हीट जो है वो सिस्टम में भेजता है, मतलब कि सराउंडिंग में भेजता है। फिर उसके बाद कंडेंसर का क्या होगा, यहाँ से कंडेंसर से जब वो रेफ्रिजरेंट निकला, फिर वो एक्सपेंशन वॉल, जैसे कि हमने पढ़ा थ्रॉटलिंग, वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसका टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर कम होता है। और फिर थ्रॉटलिंग से वो एंटर करता है दोबारा लिक्विड इंटरकूलर में, जहाँ से उसका टेम्परेचर दोबारा से कम किया जाता है। और फिर इस लिक्विड इंटरकूलर से या कई बार क्या होता है कि इस लिक्विड इंटरकूलर में नहीं जाता, डायरेक्ट एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है और फिर इवेपोरेटर में। बट जनरली क्या होता है, एक्सपेंशन वॉल्व फर्स्ट एक्सपेंशन वॉल्व है यहाँ पर एंटर करता है, फिर ये लिक्विड इंटरकूलर में एंटर करके इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और कम होता है। फिर उसके बाद ये सेकंड एक्सपेंशन वॉल्व में जाता है, जहाँ पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोबारा से बिल्कुल और कम हो जाता है, और दोबारा से इस पोजीशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर ये हमारे पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है, और से हम इस तरह से साइकिल रिपीट होती है ये। तो ये सारा प्रोसेस था कि इस तरह से वर्किंग होती है। इसकी हम एक बार टीएच डायग्राम देखते हैं और पीएच डायग्राम देखते हैं, फिर आप हम समझेंगे कि लो प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर कंप्रेसर, हम ये दो कंप्रेसर क्यों यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पहले एक एक ही कंप्रेसर यूज़ कर रहे थे, हम उसी साइकिल पर क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। तो पीएच डायग्राम समझते हैं पहले। यहाँ पर क्या है, प्रेशर और इस एक्सिस में एंथैल्पी है, तो हमने ये डोम बना दी। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस था 1 से 2 कंप्रेसर, तो हमारे पास आ गया 1 से 2, जिसको आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 2 से 3 हमारे पास क्या था, यहाँ पर क्या था, इसका टेम्परेचर कम हो रहा था, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो प्रेशर कंप्रेसर के बाद इस इंटरकूलर में गया था, तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे 2 से 3 हमारे पास आ गया, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या था, फिर 3 से 4 दोबारा से हमने इसे कंप्रेस किया, यानी कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलो, 3 से 4 दोबारा से कंप्रेशन किया हमने। उसके बाद फिर 4 से 5, 4 से 5 क्या था, हीट जो मतलब रिजेक्ट हो रही थी, और हीट रिजेक्ट हो रही थी वो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जैसा कि होता है। तो ये आ गया हमारे पास 4 से 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, जैसे कि हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी पढ़ा था। उसके बाद क्या है, 5 से 6 क्या, हमारे पास ये पूरी एक्सपेंशन वॉल्व है, तो 5 से 6 हमारे पास आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस आ गया 5 से 6। और फिर 6 से 1 दोबारा से हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में, तो 6 से 1 हमारे पास हीट एडिशन हो गया कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। और ये बीच में 7 जो था इंटरकूलरली स्टेज, तो ये वो दिखाई हुई है इंटरकूलरली स्टेज, ये 7 पॉइंट। तो ये सारा था हमारे पास सिस्टम, ये इसकी पीएच डायग्राम। अब यहाँ पर क्या देखो, अगर हम दो कंप्रेसर ना यूज़ करते, जब हम पहले यूज़ करते, तो उस पहले केस में क्या था, हमारे पास जो कंप्रेसर वर्क था, जो हम वर्क दे रहे थे वो क्या था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मतलब इस तरह का हमें कुछ मिल रहा था, जैसे यहाँ तक डायग्राम पहुँच रही थी, और फिर हम इसे यहाँ पे मीट करते थे इस तरह से। अभी दिखा नहीं रहा मैं करके, मतलब एक बार दिखा दूँ मैं, अगर दिखा भी तो इस तरह से कुछ था वो। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसर वर्क जो था, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक देना पड़ रहा था, इतना कंप्रेसर वर्क देना पड़ रहा था। अब क्या चीज़ है, दो कंप्रेसर यूज़ करने से ये वाला पोर्शन सारा हट गया,
हमें कंप्रेसर वर्क जो देना पड़ रहा है, ये वाला कंप्रेसर वर्क प्लस ये वाला कंप्रेसर वर्क, ये वाला सारा जो है, अब इतना कंप्रेसर वर्क हमें नहीं देना पड़ रहा अपनी तरफ से, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम कि हमें वर्क थोड़ा कम देना पड़ रहा है, तो एफिशिएंसी एक तरह से बढ़ रही है। और साथ ही साथ दूसरा ये कि अगर आपको इतना ज़्यादा कंप्रेस करना है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना है, उसके लिए कंप्रेसर बहुत बड़ा चाहिए, तो वो भी मतलब इतना बड़ा कंप्रेसर उसमें खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी ये चीज़ कहा जाता है। मेन चीज़ आप पीएच डायग्राम से समझ सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ पर देखो वर्क हमें जो कम देना पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये बेनिफिट है इसका टू स्टेज कंप्रेशन का। अब यहाँ पे इसकी डेरिवेशन या फॉर्मूले जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। देखो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारे पास जो मास फ्लो रेट है या सिंपल मास कह लो रेफ्रिजरेंट का, जो लो प्रेशर कंप्रेसर वाले रीजन में, उसे हम M1 से डिनोट कर रहे हैं, मतलब कि M1 मास जो है वो इस रीजन का है लो प्रेशर कंप्रेसर वाला। और वैसे ही M2 जो है वो रेफ्रिजरेंट का मास है जो कि हाई प्रेशर कंप्रेसर में सर्कुलेट हो रहा है। M2 मास हमारे पास इस पोजिशन पर आ गया। उसके बाद जो M3 हम बोल रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट का मास है जो कि लिक्विड इंटरकूलर, मतलब कि जो इस इंटरकूलर में जो मास है रेफ्रिजरेंट है उसको हम मान रहे हैं वो M3 है। तो एक M1, M2 और M3, ये तीन हमने डिनोट कर दिए। अगर आप मैं पूछूँ कि M3 क्या चीज़ है, तो M3 किसके बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसे कह लो कि M1, ये जो हमारे पास M1 एंटर कर रहा है, प्लस M3 ये वाला मास प्लस ये वाला मास ये जो एग्जिट कर रहा है इसके बराबर होगा। सिंपल सी बात, ये जो M2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये M3 प्लस M1। तो ये मैंने वही चीज़ लिखी यहाँ पे। अब यहाँ से अगर M3 सॉल्व करो तो M3 क्या आ जाएगा, M2, ये M1 इस तरफ आ जाएगा, तो M3 हमारे पास आ जाएगा ये M2 - M1। ठीक है, एक ही चीज़ आ गई। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको यूज़ होगी। उसके बाद एनर्जी बैलेंस लगाया अगर हम इंटरकूलर में, एनर्जी बैलेंस मतलब कि जितनी एनर्जी इनलेट एंटर कर रही है उतनी एनर्जी बाहर जा रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट। अब देखो जो पहले हम लिक्विड इंटरकूलर में जो एनर्जी एंटर कर रही है उसकी बात करें तो वो क्या आ जाएगा, देखो एक जो एंटर कर रही है ये एंटर कर रहा है लिक्विड इंटरकूलर में ये वाला पोर्शन, तो वो क्या है हमारे पास M1 मतलब मास फ्लो रेट जो यहाँ पे था M1 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी एट H2, एक ये हमारे पास है क्या M1 H2, तो मैंने M1 H2 लिख दिया। अभी हम इनलेट की बात करें, एक तो ये इनलेट है और दूसरा इनलेट कौन सा है, ये इनलेट है यहाँ पर लिक्विड इंटरकूलर में, तो यहाँ पर क्या है जो मास फ्लो रेट था या मास है वो क्या है M2, और एंथैल्पी कितनी है H5, तो M2 H5 हो गया। ये हमारे पास इनलेट सेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं आउटलेट सेक्शन की, जो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, एक तो ये एग्जिट कर रहा है, इसमें क्या हमारे पास M2, यहाँ पर M2 है हमारे पास, और एंथैल्पी कितनी है H3, मतलब कि M2 H3, M2 H3 लिखा हुआ है। और क्या एग्जिट कर रहा है यहाँ से लिक्विड इंटरकूलर से, ये एग्जिट यहाँ से हो रहा है एक M1 और H6, M1 और H6। ठीक है, ये था हमारे पास यहाँ पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, M2 वाले टर्म्स को एक तरफ, M1 वाले टर्म्स को एक तरफ, तो ये M2 H5 और M2 H3 इस तरफ आ जाएगा इक्वल्स टू के, तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे M1 H6 था उसकी जगह मैंने M1 H5 लिख दिया, क्यों, क्योंकि H6 इक्वल्स टू H5 आइसेंथैल्पी प्रोसेस है, और ये M1 H2 इस तरफ होगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं M2 सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा M1 × H5 - H2, M1 कॉमन ले लिया ओवर H5 - H3, यहाँ से M2 कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये चीज़ हमारे पास M2 की वैल्यू आ गई, और हमें पता है M3 = M2 - M1। अब ये जो M2 की वैल्यू से मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा और M3 की वैल्यू निकालूंगा, तो उसे M3 की वैल्यू जो मेरे पास वो ये आ गई, M3 = M2 - M1 था, M2 की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, ये आ गई -M1। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, M1 को कॉमन ले रहा हूँ, तो M1 को एज इट इज़ यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा और -1 आ जाएगा M1 की जगह। फिर इसे सॉल्व करूँगा तो M3 = M1 एज इट इज़, ये H5 - H2 एज इट इज़, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये -H5 + H3 हो जाएगा ओवर ये एज इट इज़ रहेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये H5 और H5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा H3 - H2, ये H3 - H2 ओवर H5 - H3। और उसके बाद ये हमारे पास M3 की वैल्यू आ गई, M3 की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यहाँ पर M2 की वैल्यू भी हमें पता लगेगी M2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, बाकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर हम निकालेंगे किसी क्वेश्चन में, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी सिंपल है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मास फ्लो रेट H1 - H6 हो जाएगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हमारे पास, पहले डिस्कस कर चुके हैं ये, तो ये हमारे पास रहेगा M1 × H1 - H6। वैसे अगर पावर इनपुट की बात करें, हम कितनी पावर दे रहे हैं वहाँ पर, तो टोटल कंप्रेसर वर्क हो जाएगा, मतलब कि M1 × ये, मतलब अगर पावर इनपुट जो हम दे रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला वर्क प्लस ये वाला वर्क ऐड करना पड़ेगा, तो इस वर्क के लिए हम क्या करेंगे,
एम इंटू एच टू माइनस एच वन, और इस वर्क के लिए क्या करेंगे, एम इंटू एच फोर माइनस एच थ्री, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही मैंने किया, ये लो प्रेशर वाला कंप्रेसर वर्क और ये हाई प्रेशर कंप्रेसर वर्क, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया पावर इनपुट का फॉर्मूला। तो ये थे हमारे पास फॉर्मूले जो कि यूज़ करेंगे हम अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेनिफिट है, ये पावर इनपुट। बाकी एम थ्री अगर आपको मास फ्लो रेट पूछ ले किसी क्वेश्चन पर कि यहाँ पे मास फ्लो रेट कितना है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप तो अगर ये फार्मूला याद रख सकते हो, अगर याद रहेगा तो ठीक है, इस फार्मूले से कर सकते हो आप। बाकी आपको पीएच डायग्राम तो याद होनी चाहिए, आपको समझ, अगर आपको पता है कैसे वर्किंग है तो पीएच डायग्राम इजीली बना सकते हो। तो हम न्यूमेरिकल इसके हेल्प से भी कर सकते हैं, और आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये फार्मूला याद ना करना पड़े, तो आप वो किस तरह से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।